लो ये जितने हैं बड़े ना बहुत चाको बहुत मतलब बहुत चालाक हो गया है भाई। अभी देखो इसके साथ दांत नहीं पा रहा, नहीं दूंगा तुमको बार बार क्यों दूं, तुम ये लो ये देखो नाखून भी मार दे भैया देखो। अब कुछ नहीं, जाओ 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 अब तुम जाओ। अरे जाओ गुस्सा क्यों रहे हो, जाओ। अहम नाम का लड़का रामलीला मैदान में मिल गया है। दोस्तों वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज है दशहरा और भाई आज लेके जाने वाला था मार्केट कपड़ा, तो कपड़ा नहीं ले जा सकता क्योंकि भाई आज मेरे यहाँ मुसाविर खाना में बहुत बड़ा मेला लगता है और वहीं से 5-7 किलोमीटर होगा नंदमहर बाबा, जो वहाँ मंगलवार को मतलब बहुत तड़ी बाजार लगती थी, लेकिन आज दोनों एक साथ होने चलता बाजार नहीं लगेगा मंगलवार को। तो भाई दोस्तों से फ़ोन किया, जितने कपड़े वालों के से फ़ोन किया, सबसे बात किया भाई कि कपड़ा लेके जाओगे बाजार की नहीं जाओगे, तो लोग भाई बोले कि आज मंगलवार है और आज के दिन मेला भी है दशहरा भी है तो बाज़ार बिल्कुल नहीं लगेगा, सारे लोग बाज़ार जाएं मेला जाएंगे, तो भाई ऐसा करो तो कि आप भी मत ले जाओ और कोई बाज़ार में कपड़ा लेके नहीं जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि बकरी अंदर चली गई है, बकरी अंदर गई है घास खाने के लिए, घास के गोहूं धरे दौड़ा दौड़ा। तो भाई चलते हैं और आज बजरंगबली का दिन भी है तो रास्ते में भाई बहुत ज़्यादा बंदर मिलते हैं और बंदरों को भाई खिलाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे यहाँ काधू नाला पे बहुत बड़ा जंगल था तो उसी में कम से हज़ारों बंदर हैं, तो वहाँ जब कोई जाता है तो कुछ ना कुछ खिलाता पिलाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, जानवर खाते पीते हैं और भाई ऐसे ऐसे बंदर हैं कि आपके ऊपर झपट्टा मार लेंगे। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाएँगे रास्ते में पड़ेगा थोड़ा सा, हम लाई वाई लेते हैं रास्ते में क्योंकि कुछ सामान ले लेंगे जितना हो सके, उतना ज़्यादा तो नहीं ले सकता क्योंकि केला वेला लेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा सामान लग जाएगा, पैसा ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा बहुत है। तो फिलहाल चलते हैं, अभी लाई ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और ले लेंगे अगर बात बन जाएगी तो, हम चलते हैं बंदरों को खिलाएंगे। और भाई देख सकते हो हमारे कल रात को भाई पूरा धान सपार के हम लोग आए तो अभी इसको बढ़िया वसा वसा रख दिए हैं तो काफ़ी रात हो गया था। और भाई प्रिंस आज मेला है तो अपने नानी के यहाँ चला गया और अच्छा हुआ कि मेरा पैसा बच गया क्योंकि वो रहता तो 500-300 जरूर लेता। तो आज तो हमका दिया ना तो बड़ी आ ना बड़ी आन तो कहा है हमारे बेटा शांति दिया हुआ है तो ले। तू कहाँ जाती है? हम जावे मेला, हम जावे कहाँ जाबू का कमार समझा थे मैं तू बकरी के चराओ हम जाए ता फिर लेबे कुछ नौर का बकरी चलाओबे करी तो जा चली जा फिर हम ना जावे जौर का बताई तू जा बड़ा हम चली जावे जहां ना जावे। अच्छा चल अच्छा चल तैयार हो चल लेके चल अब चल 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 तैयार हो भाई। यार इतनी बकरियां हैं इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ कि इनको चलो भूसा उसा दे दो, ठीक है भूसा उसा दे दिया चल घुमा ले दस साथ है तो पड़ोसी के साथ चली जा, पड़ोसी काम में आई है कौन पता आई नहीं जाए क्यों ना काम में आए। तो भाई फिलहाल चलते हैं यहाँ से निकलते हैं क्योंकि भाई चरावे तो ले गए सुबह चरा के लेके आवा नहीं खड़ा है, पैर पूरा दर्द करता है हमारा भाई, ये पैर मेरा क्या हुआ ये पूरा जांग है पता नहीं क्या हो गया मेरा कमर एक दिन मुचुक गया बोझा उठाते हुए, आज 15 दिन हो गया तो उसी की वजह से पूरा बाईं और कालंग पूरा दर्द होता है और मैं खड़ा नहीं हो पाता भाई, जब फेरी पे जाता हूँ जो गट्ठर उठाता हूँ लाता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए भी जब जब बाज़ार जाता हूँ तो दवाई लेके जाता हूँ, इधर से खा के जाता हूँ और उधर से भी खा के आता हूँ, तो अभी मतलब अभी पता नहीं फोड़ पाएंगे नहीं फोड़ पाएंगे। तो भाई कमर कहते हैं कोई फोड़ने वाला है अगर अच्छा डॉक्टर होता वो तो फोड़ सकता है, लेकिन भाई यहाँ जो अच्छे से धड़ाक से मारेगा तभी सुधरेगा ये। तो फिलहाल अभी चलते हैं फटाफट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों क्योंकि कैमरा 3 बजने वाले हैं, 2:30 बज गया क्या पूछ दिया अच्छा लाहौल पूछ दी। लाओ भाई खड़ी खड़ी गाड़ी बहुत मिट्टी, एक तो मिट्टी चारों तरफ से मिट्टी हमारे यहाँ आती है, इधर रोड का मिट्टी और घर में झाड़ू वाड़ू मारते हैं तब वो सारा मिट्टी गाड़ी कपड़ा सब पे आ जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
सब्जी में क्या क्या लगे है? आलू मिर्चा टमाटर है बस बस। हाँ। चला फिर आलू ले लिया मैं और मिठाई उठाई। तो भाई प्रिंस अभी गया है मामा के यहाँ, तो नहीं तो होता तो जाता अपना सामान वामान लेके आता, तो फिलहाल आज फेरे पे भी नहीं गया, तो चलता हूँ निकलता हूँ फटाफट यहाँ से। तो एक पूरा ना पूरा लपेट दा हुआ है, सब लपेट के धर दिया, वैसे गोलिया दे गोलिया को सब भर दे बीचों बीच में, जो बीच में है वही डाल दिया, बाद में बांधे कपड़ा काम आए थोड़ा थोड़ा। लाई लेता हूँ चाचा, लाई है लाई लाओ, आधा किलो दे दो। कितना? आधा किलो? आधा नहीं ना, 20 के है। 20 के लिया पे लिया पैसे कर लिया, वीडियो हो रहा होता का भाई, अभी लाई ले लिया हूँ, रख दे रहा हूँ तुम्हें। बिस्कुट और दे, दो पैकेट दे बिस्कुट, 5-5 वाला पाले? हाँ पाल ले, ले पैसे काट लिया ले, 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 ले। धरी का नहीं, बस ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे दे, बस मतलब आवे। अरे पन्नी हो रही थी, चलो नहीं एक रोज ऐसे चलाई मोटर से, बिल्कुल 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 साथ हाथ बना लिया। ठीक 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 ठीक, आएगा हाथ तो आएगा पूरी अब जिंदगी। अभी कोशिश कर रहा हूँ तो इनको मतलब इधर कहीं देने के लिए, क्योंकि इधर बच्चे बहुत सारे हैं, तो जहाँ पर लाइन निकालूंगा यहाँ पर कोई ना हो, अभी देखते तो किस तरह बच्चे हैं, और अभी ये जान जाएंगे तो झपट्टा मार देंगे। अभी देखो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है ना, जैसे मैं डिग्गी खोलूँगा तुरंत आ जाएंगे, अभी देखना। देखो अभी जितने हैं सब लख रहे हैं, जैसे डिग्गी खोलूँगा तुरंत आएंगे। देखो ये चल पड़ा, ये चल पड़ा, ये चल पड़ा, ये चल पड़ा, ये अभी अभी मुश्किल है मुझे अभी। अभी देखो जो शेर हैं वो डरवा रहे हैं इनको, अभी अभी ये बहुत दुष्ट है लगता है मुझे। इधर खा ले, जो नीचे गिर रहा वो खा ला, ये भाई पन्नी को झपट्टा मारते हैं। अभी ये लगता है बहुत बड़े बड़े हैं ये लोग, इसी करके वो लोग नहीं आ रहे हैं। आ देख सकते हो कितना मोटा बंदर है, देख सकते हो कितना मोटर बंदर है वो, आप बहुत सारे बंदर। अब इधर के बंदर बहुत चालाक हैं, उधर के बंदर थोड़ा से अभी डर रहे थे 2-3 बंदरों की वजह से, लेकिन अभी इधर के बंदर आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, अभी अभी झपट्टा मार पड़ेंगे। देखो सारे लग रहे हैं, जैसे मेरी डिग्गी खोलेगी फिर इधर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ हजारों बंदर हैं, तो बंदर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। अभी मैं डिग्गी खोलता हूँ फिर इधर भी, तो चलो चल पड़े हैं, देख सकते हो अभी जितने से अभी चल पड़े हैं सब। तो अभी अभी ये हेलमेट लगाया हो ना, इस करके कुछ तो डर रहे हैं, क्योंकि ये इनको लग रहा है कि हेलमेट में कुछ लगा है भयंकर चीज़, ये लोग अभी डर रहे हैं। अभी देखो झपट्टा किस तरह मारेगा ये सारे डर। ये देखो, ये देखो किस तरह डर रहा है, किस तरह डर रहा है, ये हेलमेट को देख कर ना इनकी फट पड़ी है। मैं अगर हेलमेट निकाल दूँ तो अभी देखो कैसे ऊपर कूदेंगे। और देखो बिस्कुट दिखाता हूँ अभी इनको, इनको बिस्कुट दिखाऊंगा जितने हैं, अभी किस तरह आएंगे। देखो हेलमेट को वजह से सारे इधर उधर देख रहे हैं, जितने बंदर हैं ना सब हेलमेट को देख रहे हैं कि क्या चीज़ है, कौन सा इंसान आया है यहाँ पर। तो अभी हेलमेट अगर उतार दूँ ना तो भाई ये ऊपर कूद जाएंगे। तो देखो ये आ गया, ये आ गया, ये सबसे बड़ा बंदर बंदर है भाई, भाई ये बहुत ख़तरनाक है ये बहुत। देखो लो लो जिसको लेना ले लो। देखो किस तरह झपट्टा मार रहे हैं अभी, जिसको जिसको पता चल रहा है। ओए पगलाना, नहीं देंगे नहीं तुमको, लो पगलाओ ना, लो लो। अभी ये हेलमेट की वजह से ये डर नहीं रहा, ये नहीं डर रहा, ये इसको मिल गया ना 2-4 बारी, आ जाओ ले लो आ जाओ भाई। यार हेलमेट नहीं लगाएंगे ना तो ये साले ना
हमें एक कार लेंगे, इसलिए हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, चेहरे वेरे पे ना मार दे पंजा उंजा। लो लो ले, तू ले, तुम नहीं, तुम छोटे वाला लो। ले भाई, लेकिन छोटे वाले कोई पाता नहीं क्योंकि फ़ायदा नहीं, ये लाई दिया हूँ, लाई कोई नहीं खा रहा है। ये लो, दांत दिखाता है ले भाई, किस किस को खिलाएंगे, छोटे छोटे खिलाए। हाँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, बस छोटे क्यूट क्यूट, अभी कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे हैं। और भाई ये बड़ों से डरते हैं, देखो ये देखो लो भाई, ये बड़ों के आज ये छोटे पाएंगे नहीं। लो ये जितने हैं बड़े ना बहुत चालू बंदर है। ओ उसको देखो, उसको आने ले ले, आजा 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 आजा। अभी तो जाओ लो, जो एक बार पा गया है ना उसको बहुत मतलब बहुत चालाक हो गया है अभी। अभी देखो इसके साथ दांत निकाल रहा, नहीं दूंगा तुमको, बार बार क्यों दूँ, तुम ये लो उसको दो, छोटे छोटे बच्चे को दो, ये लो। चला यार तुम जाओ, तुम उधर जाओ, जाओ उधर, तुम्हें ही खिलाऊँ, किसी और नहीं है बड़ा। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों के लिए तो बिस्कुट लाए थे लेकिन एक भी बिस्कुट नहीं खिला पाए छोटे बच्चों को। वो देखो ये झपट्टा मार लेते हैं, ये बहुत चालू हो गई है भाई। ये देखो नाखून भी मार दे भाई, यार देखो अब कुछ नहीं, जाओ 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 अब तुम जाओ, अरे जाओ, गुस्सा क्यों रहे हो, जाओ। तो भाई सारे बंदर को भी मैं खिला दिया, और भाई छोटे बच्चे तो बिस्कुट खिला नहीं पाए क्योंकि छोटे बच्चे भाई कमज़ोर हैं बड़ों के आगे, सब हार जाते। तो फिलहाल चलते हैं अभी मेला की तरफ फटाफट। यहाँ पर ऐसे ऐसे बंदर है भाई, अभी अगर केला लेके आओ, कोई और फ्रूट चीज़ लेके आओ, कोई ज़्यादा बड़ा फ्रूट लेके आओ, सेब हो गया, केला हो गया, तब देखो तब कितना भयंकर ये लोग लड़ाई करते हैं कि पूछो ना। तो कम से कम इनके लिए 7 फुट जाते थे ट्रक, और यहाँ रात को अंधेरा ही अंधेरा होता था। तभी दिखाता हूँ कितना गहरा है ये, और भाई ये देख सकते हो, ओए होए, यहाँ से पहले ट्रक गिरती थी नीचे को सीधा चली जाती थी, अभी एक बंदर वो आ रहा है नीचे। तो फिलहाल चलते हैं, जय बाबा की। ये भाई अभी देख सकते हो भाई, बंदर नाखून मार दे देखो। फाइनली दोस्तों मेला पहुंच गया हूं, और देख सकते हो पे नाके नाके पे पुलिस खड़ी है, और भाई सुरक्षा बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ मेले में बहुत उल्टे सीधे आदमी भी आते हैं। तो दोस्तों अभी मेले में मैं एंट्री कर दिया हूँ, और मेला बहुत तगड़ा लगा हुआ, माता रानी की बहुत सारी मूर्ति बैठाई हुई, बहुत ज़्यादा, आप पूरा गिनती करते रहो 10-15 मूर्तियाँ हैं जो हम आपको कम से कम मूर्ति दिखा पाए हैं। ट्रैफिक बहुत था, ए पंकज समसवा हो आए, हाँ भाई नए हुए तो फिर जान ले घर में बोलो जाओ, ला भैया ला पंकज टाइम लागे भाई, तो भाई फाइनली समोसा ले लिया हूँ, ये भी घर पे आ गया। और भाई प्रिंस तो आज नहीं है, प्रिंस तो अपने नानी के यहाँ गया है, तो अभी मम्मी हैं, अभी देख सकते हो भाई। अभी मिठाई लेके आया हूँ, और इनके लिए समोसा लेके आया हूँ क्योंकि भाई समोसा इनका पसंद है, तो इसमें मिठाई है कुछ, ये वाला पीठा वाला, और ये दिया पानी आड़ गया, ये इसमें भाई मिठाई है। और भाई चांपो दबा के प्रिंस को ललचवा देना वीडियो में दिखा के।